हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइडेंस में। तो मैं कमेंट्स चेक कर रही थी, ठीक है, तो उसमें से जो है मुझे एक कमेंट दिखा जिस पर मुझे लगा कि मुझे जो है स्पेशल वीडियो बनानी चाहिए, इसीलिए मैं जो है ये वीडियो को बना रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पहुँच सके। तो देखिए, आपको जो है आपकी स्क्रीन पर कमेंट दिख रहा होगा, ठीक है, तो इस कमेंट पर मैं यही रिप्लाई करना चाहूँगी कि देखिए, झारखंड में जो है ANM GNM का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, नर्सिंग के लिए, वो एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट होता है और BSc नर्सिंग मीन्स बेसिक BSc नर्सिंग के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको BSc नर्सिंग कॉलेज ही अलॉट होगी, ठीक है, और GNM, ANM और BSc नर्सिंग जो है कंबाइंड नहीं है, ओनली ANM GNM कंबाइंड है झारखंड में, ठीक है। तो अगर उसमें अगर आपके मार्क्स कम आते हैं BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम में, तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज बस एक ही है हमारा रिम्स रांची में, तो अगर वहाँ पर आपको सीट नहीं मिलती है तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अलॉट होगी, ठीक है, आपको कॉलेज नहीं मिलेगी और उससे जो है GNM लिंक्ड नहीं है, आपको ANM GNM के लिए अलग एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। उसमें अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको GNM कॉलेज मिलता है, थोड़ा अगर एवरेज मार्क्स आते हैं तो आपको ANM कॉलेज मिलता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना रहे दोनों एग्ज़ाम में, ठीक है, दोनों डिफरेंट एग्ज़ाम होता है। BSc नर्सिंग के लिए कट ऑफ मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें अलग है, जिसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर जा करके आप विजिट कर सकते हैं। और ANM GNM के लिए भी मैंने ऑलरेडी बताया है 2021 में आपका क्या कट ऑफ गया था, ठीक है, तो वो भी जो है अलग एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट है, इसको आप लोग जो है एक एग्ज़ाम ना समझे, ठीक है। टोटल जो है आपका 3 एग्ज़ाम होता है नर्सिंग का झारखंड में, ठीक है, पहला आपका ANM GNM के लिए कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, दूसरा आपका बेसिक BSc नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम वो कैंडिडेट्स देते हैं जो अभी 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद फ्रेश वो अगर नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं BSc नर्सिंग के लिए तो वो बेसिक BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देते हैं। और एक आपका होता है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वो लोग देते हैं, ठीक है, जिन लोगों का जो है एग्ज़ाम GNM का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, मीन्स GNM जो है वो लोग का कंप्लीट हो चुका है, GNM का कोर्स 3 साल का, उसके बाद अगर वो अपना कोर्स को डिप्लोमा टू डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में वो लोग जो है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देते हैं और उनको अपने काउंसिलिंग से जो भी कॉलेज जो है अलॉट होता है वहाँ से वो अपना जो है नर्सिंग का कोर्स एज ए BSc नर्सिंग डिग्री को वो लेते हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें थी, ठीक है, आई होप कि आपको जो है इसके बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कितनी एग्ज़ाम्स आपकी होती है और आगे से आप कंफ्यूज ना रहिए इस चीज़ को लेकर के। इसके अलावा आपके कोई भी अगर डाउट्स होंगे नर्सिंग से रिलेटेड तो आप मेरे कोई भी वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे वीडियोस का कमेंट्स खुद चेक करती हूँ, मैं सबका रिप्लाई करने का कोशिश जरूर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अनदर डे विथ अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।